नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। मैं पीयूष लेकर आया हूँ एक और फ्रेश वीडियो, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं मीटर गेज ट्रेन के बारे में। अभी जो मीटर गेज ट्रेन के लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि अभी स्टिल रनिंग है या नहीं है, और अभी मीटर गेज ट्रेन अगर है भी तो क्या आप उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर आपका मन है मीटर गेज में ट्रैवल करने का तो क्या आप कभी फ्यूचर में कर भी पाएंगे। तो उन्हीं सब को हम डिस्कस करने वाले हैं कि मीटर गेज कब आया, कैसे आया और कब चला गया, और रेलवेज का क्या प्लानिंग है मीटर गेज को लेकर, उनको ही हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और बाकी आपके मन में कोई भी टॉपिक हो रेलवेज के रिगार्डिंग कमेंट में बता सकते हैं, उस पर आपको डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अब बात करते हैं सबसे पहले मीटर गेज ट्रेन के बारे में। तो जो मीटर गेज है उसको मीटर गेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो उनके गेज है यानी कि जो उनके बीच की विड्थ है वो होती है 1 मीटर की, तो इसलिए उसको नाम दे दिया गया मीटर गेज, यानी कि आप कह सकते हैं 1000 मिलीमीटर। और हमारे रेलवेज में फिलहाल ब्रॉड गेज को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मीटर गेज को नहीं किया जाता। तो बात है 1871 की, जिस समय इस गेज को एक्सेप्ट किया गया उस समय ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश रेलवे के द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया, और 1873 में इस पर जो ट्रेनों का संचालन है वो शुरू किया गया। अब उस समय तक जो ट्रेनों का संचालन था वो फ्रेट के तरह होता था, यानी कि कोई भी पैसेंजर ट्रेन का जो संचालन था वो नहीं किया गया था मीटर गेज पर। उस समय यहाँ पर ट्रेन चलाई गई जो कि माल को ले जाने के लिए थी, और ये ट्रेन चली थी फारुख नगर और सुल्तानपुर दो जगह से दिल्ली को कनेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर मीटर गेज ट्रेन का जो रनिंग है वो की गई। अब मीटर गेज ट्रेन यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रही, और एक समय ये आ गया यानी कि 1947 आ गया, और जब हम जो आज़ाद हो गए तो 1947 के बाद में रेलवेज ने डिसाइड किया, क्योंकि ट्रैक था और जो मीटर गेज ट्रेनें होती हैं उनको बनाना इतना कॉस्टली नहीं होता ब्रॉड गेज की तुलना में, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मीटर गेज को भी जो एक्सप्लोर है वो और किया जाएगा। फिर मीटर गेज को और ज़्यादा बिछाया गया और हमारे भारत में फैलाया गया, और किन किन रूटों पर फैलाया गया वो कुछ इस तरीके से थे। आपको लखनऊ सीतापुर वाला जो सेक्शन था वो मीटर गेज देखने को मिला, यहाँ पर मीटर गेज ट्रेनों को चलाया गया। आपको लमडिंग तिनसुकिया के बीच में भी ट्रेनें देखने को मिली, इसी तरीके से मुंबई जबलपुर नागपुर वाले जो सेक्शन थे वहाँ पर मीटर गेज ट्रेन देखने को मिली। हमें जयपुर के पास यानी जयपुर जोधपुर वाले जो सेक्शन थे वहाँ मीटर गेज ट्रेन देखने को मिली। हमें न्यू कूच बिहार के पास मीटर गेज ट्रेन देखने को मिली, और हमें काफ़ी जगह जो हमारे भारतीय रेलवे में मीटर गेज ट्रेन देखने को मिली, अधिकतर के नाम मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं कहाँ कहाँ जो मीटर गेज ट्रेनों को चलाया गया। अब फाइनली मीटर गेज जब चला दिए गए और काफ़ी समय तक उनको जो रनिंग में रखा गया, लेकिन फिर रेलवे ने डिसाइड किया, और ये बात है 1990 की यानी कि 1990 में रेलवे ने डिसाइड किया, और एक नया प्रोजेक्ट आया जिसका नाम था प्रोजेक्ट यूनिगेज, यानी कि हमारा जो यूनिवर्सल गेज है उसको ब्रॉड गेज माना गया है। हमारे भारतीय रेलवे का जो यूनिवर्सल गेज है वो ब्रॉड गेज है, तो जिसके चलते जितने भी मीटर गेज ट्रैक थे उनको कन्वर्ट किया जाने लगा धीरे धीरे ब्रॉड गेज में, और हमें जल्द ही जो मेजर सेक्शन थे जैसे लखनऊ वाला सेक्शन था या फिर जोधपुर वाले सेक्शन थे और लमडिंग वाले तो खैर अभी रिसेंटली हुए हैं, तो इनको धीरे धीरे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया, क्योंकि ब्रॉड गेज हमारे रेलवे के हिसाब से ज़्यादा सुटेबल था, तो उसको ही यूनिवर्सल गेज हमारे रेलवे में मान लिया गया, और धीरे धीरे जो ब्रॉड गेज है वो आने लगा। अब बात कर लेते हैं करंट सिचुएशन के बारे में कि अभी जो मीटर गेज ट्रैक है वो किस तरीके से है, और भी फ्यूचर प्लानिंग क्या है मीटर गेज को लेकर। तो अभी जो करंट में मीटर गेज ट्रैक है जो कि 31 मार्च 2019 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि 2833 किलोमीटर है, और ये भी जल्द ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हालांकि रेलवे की प्लानिंग है कि जो 5 ऐसे सेक्शन उन्होंने बनाए हैं कि यहाँ पर जो मीटर गेज ट्रेन है वो चलती रहेंगी, जिसमें उन्होंने जो पहला सेक्शन बताया है वो है महू और कालाकुंड वाला, ये टोटल में 30 किलोमीटर का है, और यहाँ पर ट्रेनें अभी भी चल रही थी। अभी लॉकडाउन से पहले यहाँ पर हेरिटेज ट्रेनों को चलाया जा रहा था जिनको जाकर आप ट्रैवल कर सकते थे। इसी तरीके से जो मैलानी नानपारा वाला सेक्शन है उसको भी कहा जा रहा है कि इसको भी शामिल किया जाएगा मीटर गेज ट्रेन को रिजर्व करने में, तो फिलहाल ये भी 171 किलोमीटर लंबा रहने वाला है, और इसके ऊपर ही मैंने आपको बताया था इसको तो अभी रिसेंटली ही बंद किया गया है, लगभग आई थिंक फरवरी की बात है, फरवरी के आसपास इसको बंद किया गया था, और अब ये भी प्रिजर्व किया जा सकता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेक्शन है गुजरात के गिर फॉरेस्ट से गुजरने वाली ट्रेन लाइन को प्रिजर्व करने की बात कही गई है, जो कि 50 किलोमीटर लॉन्ग है। इसी से मारवाड़ और उदयपुर के बीच में भी 70 किलोमीटर ट्रैक को रखा जाएगा बचाकर, और यहाँ पर बाद में जो हेरिटेज ट्रेनें हम कह सकते हैं वो चलाई जाएंगी, जिससे आप मीटर गेज को भी ना भूलें। मैंने स्टीम के बारे में बात की थी तो स्टीम को भी प्रिजर्व किया गया है और आपको देखने को मिल जाता है
जाता है। इसी तरीके से मीटर गेज के लिए भी यही काम होने वाला है। और जो पांचवा रूट है जिसको रेलवेज ने कहा है कि इसको भी हम मॉडिफाई करेंगे, वो रहने वाला है 120 किलोमीटर लंबा, जो कि होने वाला है होर और हरंगा जाओ सेक्शन के बीच में। तो ये जो पांच सेक्शन है इन पर आपको जो ट्रेन है वो मीटर गेज वाली हमेशा देखने को मिलेगी। ये रेलवेज की प्लानिंग है और मुझे पूरा यकीन है हमेशा देखने को मिलेगी। यानी कि अगर आपके मन में विचार है और आप यहीं पे नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो मैलानी लानपारा आपके लिए बहुत ज़्यादा पास में हो सकता है, क्योंकि मैं भी अगर ये प्रिजर्व रखा गया और ट्रेन यहाँ पे चलाई गई तो डेफिनेटली आई विल गो देयर। और इसी के चलते अगर आपको अभी भी चाहिए कोई ट्रेन जिसको चलते हुए आप देखना चाहते हैं तो आपको नीलगिरी माउंटेन्स पर जो ट्रेन चलती है वो देखने को मिल जाएगी, जिसको हेरिटेज ट्रेन में भी शामिल किया जा चुका है यूनेस्को के द्वारा। और ये अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रेन है और मीटर गेज पर ही ऑपरेटेड है और आज भी ये चल रही है। तो अगर आपको मीटर गेज का आज ही अब अनुभव लेना है, भले से लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद में आप इसका अनुभव ले पाएंगे, तो आप भी जा सकते हैं और इसका जो अनुभव है वो ले सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये जो मीटर गेज की जानकारी थी वो आपको कैसी लगी बता सकते हैं कमेंट में। और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और कोई भी आपके मन में टॉपिक हो, आपको रेलवेज के बारे में जानना हो, तो कमेंट में बता सकते हैं, आपके लिए जो वीडियो है वो जरूर आएगी और डेली आएगी, ये डेफिनेटली बात है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।